गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भैया आज देखा जाए तो भैया कल था संडे, तो भैया संडे का दिन तो बहुत ढकढक वाला था, बट आज का दिन भी कम नहीं है मंडे भी। तो सुबह मॉर्निंग में मैं उठ के ब्लॉग एडिट करके और जस्ट अभी अपलोड करा है मैंने 11:30 बजे। तो भैया आज भी लेट हो गया अपन थोड़ा सा काम करने में, क्योंकि आज पूरे दिन रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में सुबह लेट ही उठे थे क्योंकि यार कल थक गए थे। और सीरियसली बताऊँ ना तो आज भी मुझे शूट पे जाना है 3 बजे, मतलब 2:30 बजे के आसपास निकलेंगे, फिर वही रात को लेट हो जाएंगे। तो मैंने देखा यार बाहर शूट करो ब्लॉग, इससे बढ़िया भैया कल तो मजबूरी थी कि मेरे को जल्दी निकलना था, हड़बड़ी में मैं नहीं शुरू कर पाया। बट आज अभी मैं घर पे हूँ तो ब्लॉग एटलीस्ट मैं शुरू तो कर सकता हूँ। और दिया ऋषभ आज स्कूल गए नहीं क्योंकि कोई तबीयत थोड़ी सी उनकी वैसी ढीली डाली थी, इसलिए नहीं गए। और बाहर का मौसम चेक करो गाइस, यार जो अल्टीमेट मौसम हो रखा है ना, तो भाई इधर निकल रही है धूप, इधर थोड़ा सा मौसम क्लियर है, उधर बादल है। और भाई ये गाय है ना भाई, इस गाय के साथ में थोड़ी ट्रेजेडी चल रही है कि ये गाय क्या है, यहाँ से कुछ लोग है ना, मतलब इधर वाले कुछ लोग उसको भगाते हैं उस साइड, उधर वाले लोग भगाते हैं इस साइड। अब ये गाय बेचारी क्या है, इस बीच में ये यहाँ आके पिसती रहती है पूरे दिन। तो देखा जाए ना तो अब ये गाय भी हमारी हो चुकी है, अब ना तो उधर वाले रखते हैं इसको ना उधर वाले रखते हैं, दोनों तरफ डंडे पड़ते हैं, बीच में आके रुक जाती है, कोई इसको कुछ नहीं कहता। बट हाँ यार, हमने सामने पेड़ लगा रखे हैं ना, तो ये गाय क्या है उसके पेड़ों को है ना, मतलब छोटे छोटे पेड़ों को खा जाती है, तो यार वो चीज़ गलत है। फिर हमें भी इसको थोड़ा सा भगाना पड़ता है कि यार हमने भी पेड़ लगाए थे, और आप समझ सकते हो पेड़ लगाना कितनी बड़ी बात होती है, कार्ड तो हर कोई लेता है, लगाना बहुत बड़ा टिपिकल गेम होता है। तो हमने बहुत सारे पेड़ लगाए थे सामने वहाँ पे, वो एक पेड़ बोरा, और मतलब हम लगाते ही रहते हैं पेड़, मैं मेरे चाचा पापा हम सब लगाते रहते हैं, निकालते नहीं है वो, नए पेड़ एड कर देते हैं, तो वही चीज़ है। और यार अगल बगल में कहीं आज काम चल रहा है, शायद एक मकान आगे काम चल रहा है, तो मशीन चल रही है, तो उसका साउंड भी आ रहा होगा बड़ा अजीब सा। तो अपन भी अंदर चलते हैं। और भैया हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है बाहर, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो ये भी देखते हैं आज कैसा रहता है मौसम। तो अपने को शूट पर भी चलना है, शूट भी करेंगे और ये भी करेंगे। तो भैया पॉपकॉर्न वाले भैया आ गए हैं, तो देखते हैं पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेते हैं, अपन भी अंदर चलते हैं। है? काम चोरी मत करा कर, काम किया कर। तो भैया जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे को जो शाम को जाना था शूट के ऊपर, तो भैया शाम को नहीं, दोपहर का टाइम हो गया, 2 बजे का भी 2 बज रहे हैं। और ब्लॉग अपलोड करने के बाद में मैंने मेरे सारे काम निपटाए जो बचे हुए थे, अब ये बस एक लास्ट काम है, इसको निपटाना ज़रूरी है। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो काम है, भैया गाड़ी निकली पड़ी है बाहर, और चाचा जाएंगे व्हील अलाइनमेंट करवाने गाड़ी का, कार का व्हील अलाइनमेंट थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो चाचा जाएंगे बाहर। इधर आ इधर आ इधर आ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ उसने क्या बनाया है। तो ये काफ़ी देर से बोला था मैंने ये बनाया, मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर आ। तो ये देखो ये देखो, ये आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट की आर्ट, राधा कृष्ण जी बनाया, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो ये पूरे दिन ऐसे उधम करता रहेगा और कुछ करेगा नहीं। दिया कहाँ है? तूने आज इसको इधर देख, इधर देख, स्कूल को नहीं गया? वो मम्मी छुट्टी कर रही। क्यों? पता नहीं, तो मम्मी ने करे, खुद ने करी है। खुद के मार ली इसने, खुद ही ने मार ली, दूसरा तो कोई क्या मारेगा भाई, मेरे को मारने आ रहा था, पहले तो टाट फूटी फिर पाँव फूटा, दो चीज, फिर आ गया उधम करने। तो ये आज है ना इतना उधमगार हो गया ना ये, जिसकी कोई हद नहीं। और दिया सो चुकी है, अभी तो जग रही थी, दिया जग रही है, सो रही है दिया, ओ दिया दिया, अभी दिया जग रही थी और अब सोने का नाटक कर रही है। तो दिया की हमेशा की आदत है, उसको जब बोलो ना, बोलो दिया को आवाज़ दो ना, तब नहीं सुनेगी और वैसे उठ जाएगी। और भैया बाहर मौसम भैया बड़ा अजीब गरीब सा है, तो भैया बाहर का जो मौसम है इतना गंदा है, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, गर्मी लग रही ना इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। और भाई मुझे जाना भी बहुत दूर है, दूर तो क्या जाना है, लास्ट यहाँ वेडिंग क्लिक करी थी बस उसी वाले उसमें जाना है, पहले भी अपन गए हैं। तो भैया बाहर का ट्रैफिक, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर का मौसम रिलैक्स वाला तो है, बट यार इतना भी ज़्यादा रिलैक्स है तो ज़्यादा नहीं है कि यार थोड़ा सा आपको मिल सके, कितना शोर करता है।
जब भी ब्लॉग शूट करो ना और ऐसे गाड़ी आ जाना तो इतना मन करता है ना पकड़ के कूद देने का, बट क्या करें नहीं पूछ सकते। तो क्या खाएगी जा, तो पापा को पापा को देखा देखा पापा को अब शिकायत करेगा पापा को जाके मेरे को मारा, पापा मेरे को मारा जबकि खुद ने मारी खुद ने उदम करी। तो भैया अपन निकलते हैं, अपना टाइम हो रहा है, फिर लेट नहीं होना चाहते, तो शूट करके आते हैं फिर इनके साथ मस्ती करेंगे। वैसे तो आपको पता है मैं कितनी मस्ती करता हूँ इन दोनों के साथ में, तो आके फिर मस्ती करेंगे। अभी तो निकलते हैं क्योंकि अभी डांट पड़े, उससे बढ़िया ना निकल लेने का, टाइम फ्री हो गया आ जाने का और आना भी जल्दी हो, तो फिर देखते हैं क्या रहता है इसमें। उधर भी कैसे उधर कर रहे हैं, अभी छाज की थैली नीचे गिर जाएगी ना, फूट जाएगी, फिर तेज चली ऐसे करके ऐसे उछाल रहा है छाज की थैली को, उधम कर रहा है ये देख ये देख तो भाई बहुत उधमी है, ये भी बहुत उधमी है। तो अपन चलते हैं, आते हैं शूट पे फ्री होकर। तो जहाँ मुझे शूट पे जाना था तो वो मैं शूट कंप्लीट करके आ गया, और सीरियसली बताओ ना तो मैंने सोचा था वहाँ कुछ शूट करने का, बट यार वहाँ कुछ इतना ज़्यादा शूट करने लायक था नहीं। बट हाँ उन्हीं की एग्जीबिशन फिर दोबारा होने वाली है, वहाँ बहुत बड़ी एग्जीबिशन होगी, तब मैं ज़रूर बनाऊँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट आने वाले हैं जिनकी स्टोरी बहुत अल्टीमेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं, तब अपन बढ़िया से शूट करेंगे। और ये देखो ये टेबल नहीं है, टेबल के नीचे ये देखो क्या कर रहा है। क्यों अभी कभी कभी क्यों दिल्ली जाके वापस आ जाओगे तब तो आओगे ही। है आ जा आ देखते कौन ये। तो ये है ना नलायक कितना बेकार है, आपको मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे हाथ के अंदर निशान पड़ गया था। आवाज़ कम कर, ये जो टीवी देख रहा है नलायक बच्चा, और इसने मेरे हाथ पे इतनी चूटियाँ मारी थी ना। है पंगे ले रहा है, पंगे ले रहा है, तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा भाई साहब। दिया को बुलाए, और दिया को बुला के दिखा दिया आती है कि नहीं आती तेरे बुलाने, बुला के दिखा। तो आज का दिया दिया तो तेरी आया नहीं, मैं बंद कर दूंगा। मुझे भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। 1 2 3 और कम कर, दिया को बुला, दिया पहले दिया को बुला, जल्दी बुला ले। ओ गंदे कहाँ लात मारी तूने, तोड़ दूंगा पाँव मैं, करेगा दोबारा? हाँ मार के दिखा दोबारा, मैं बताता हूँ तेरे को कैसे करते हैं। देख सीधा सीधा लाग, नहीं भग रहा नहीं। शक्ल तो देखे कोड़े कूड़े जैसी शक्ल रखी है, कूड़े जैसी ओके करूंगा करूंगा। कमरे से जाओ, नहीं क्या बोला जाओ, पहले क्या बोला था, थप्पड़ मार के गाल घुमा दूंगा। अभी जाओ। देख लिया ना आपने, बहुत बदतमीज होता जा रहा है, इसकी मैडम से भी कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि इसको मैनर्स नहीं रहेगी, आप से सीधा तू पे आ जाता है, फिर सॉरी अगर ऐसी हरकतें करूँ कि जो सॉरी बोलनी पड़े क्यों, बट तेरी मैम को कंप्लेंट जरूर करूंगा। स्टाइल देखो इसकी गधेड़े की डोंकी, मगर तू इतना बदतमीज कैसे हो गया यार ऋषभ, इतनी बदतमीज। जब आप मेरे को खेड़ते हो, दिया को बुलाया तूने, दिया तो आई नहीं तेरे बुलाने से। अच्छा है गोबर गोबर, तो इसको इतने सारे नाम निकाल रखे हैं ना मैंने जिसकी कोई हद नहीं, और दिया इस समय पीछे है। देख लिया ना आपने, उधम करने का नंबर वन है, उधम से उधम तो इसे खूब करा लो। दिया ओ दिया 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 को भेजता है क्या चीज। अच्छा काम कर रही है क्या, मुझे काम तो दिया से
तो दिया तो आ नहीं रही, दिया तो भैया काम कर रही है पीछे। और ये नलायक है ना, जानबूझ के आवाज है ना बढ़ा देता है मार खाने के लिए, फिर बाद में मार खाए। तो भाई ये नहीं मानेगा तो अपन ही मान जाते हैं, अपन थोड़ी देर बाद में ब्लॉग शूट करेंगे, क्योंकि ये मानेगा नहीं, आवाज कम करेगा नहीं, तो अपन ही बाद में शूट करेंगे जब इसको करने देते हैं, नहीं तो मार मेरे से भी लड़ाई कर लेगा ये, तो लड़ाई से बचने के लिए। चलो लाइट लाल लाइट पापा को दे दो, पापा को दे दो, दोनों पापा को दे दो, फिर इसको चलाना सिखाओ, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, आ जाओ मैं इधर करते तू ये क्या करता है यार, छोड़ दे ऋषभ, ओ बाल गए मेरे यार, यार ऋषभ यार वास्तव में यार अकल लांग की चीज नहीं रे यार, छिल दिया पूरा तू मोटी, इसको करो तू, तूने क्या किया था, अरे तमीज सीख ले तू, तूने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया अभी तक, ये भी आई देख देख ले, तू है मार, तू है ही मार खाने वाली, वो जैसे बॉक्सिंग पंच होता है जैसे, चुप 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 नहीं गंदी बात, ऐसे कह दे, ऐसे कह दे, ऐसे कह दे, कह दे, कह दे भैया को क्यों बोले थे, ओ भाई नहीं 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 गंदी बात, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, गंदी चॉकलेट तुमने, प्लीज चॉकलेट पिट्टी करोगे तो पिट्टी पिट्टी हां मेरे पास चॉकलेट बेटे, तुम बेकार हो, नहीं मैं चल ली, गंदी बात मत कर, मत कर, देख लिया ना आप लोगों ने भैया आज का जो ब्लॉग था ना, मेरे को लग रहा थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो चुका है, बट हाँ यार जो भी था आज का रूटीन थोड़ा सा बोरिंग वाला ही था मेरा भी, आप लोगों को नहीं मतलब मैं दिखा पा रहा हूँ उतने अच्छे से, बट हाँ अभी आज के कुछ अभी कुछ टाइम से मेरे मतलब जो डेज निकल रहे ना वो बोरिंग ही निकल रहे, कुछ इंटरेस्टिंग कर ही नहीं पा रहा, पिछला संडे भी ख़राब हुआ, ये संडे भी ख़राब हुआ, कोई राइड नहीं हुई, मूड ख़राब हो गया, तो भाई ये मेरे साथ कोई नई चीज़ नहीं हो रही कि भैया मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मेरे साथ पहले भी बहुत बार हुआ ऐसा कि मेरे प्लान कैंसिल हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और यार सीरियसली बताऊँ तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन भी मेरी टाइट चल रही है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे लिए बेस्ट है अच्छा है, बट हाँ जो मैंने सोचा था ना कि मैं ये करूँगा वो करूँगा मैं नहीं कर पाता, पता नहीं क्या यार मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो यार समझ में ही नहीं आता, खैर कोई ना, मैं ये सोच के चलता हूँ कि चलो ठीक है आज का दिन अपन छोड़ते हैं, कल का दिन और अच्छा होगा और उसके बाद वाला और अच्छा होगा, बट हाँ यार जो भी है आप लोग समझ ही सकते हो आगे की मेरी फीलिंग्स, तो भैया आज का जो डे है वो थोड़ा सा गंदा ही निकला है मेरा भी, और आज के ब्लॉग को भी अब यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना, मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।